आपको बता दें दिल्ली जैसी अभी पढ़ाई लद्दाख में बच्चों को नहीं मिल पा रही है और बोर्ड एग्जाम्स देखिए स्तर पर है, अक्टूबर में एग्जाम्स की शुरुआत होनी है। एजुकिरण नाम की संस्था के द्वारा एक शुरुआत की गई है, जो ये पहल है, जो ये स्टार्टअप है, वो ये कि दिल्ली से टीचर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख के स्कूलों में बच्चा पढ़ाते हैं। अभी तक 4 सरकारी स्कूलों को चुना गया है, 4 सरकारी स्कूलों के बच्चों को यहाँ से दिल्ली से पढ़ाया जाता है और साइंस पढ़ाते हैं, टीचर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप दिल्ली से बच्चों को पढ़ाते हैं लद्दाख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बच्चे समझ पाते हैं आसानी से? क्योंकि पहले तो देखिए आप लोगों की बहुत अच्छी है, बच्चे समझ पाते हैं, हमें समझ आते हैं? बिल्कुल, इसका बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है कि आपको कोई भी सवाल पूछना हो या कुछ भी इंटरेक्ट करना है, उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, जो भी सवाल उनको हमसे पूछना होता है डायरेक्ट पूछते हैं और जो हमें पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई इशू ही नहीं आता। मतलब पहले स्कूल के आवर्स में बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आपको उस घंटे की क्लास देते हैं? जी, जैसे ही उनका स्कूल खत्म होता है उसके 1 घंटे के लिए लेकिन देखिए जैसे हम यहाँ देखते हैं, अगर स्कूल में हमने पढ़ाई करी, फिर हम लोग कोचिंग, हम लोग ट्यूशन लेते हैं, बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस वैसे बहुत बड़ी होती है, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो देखिए एक एक इंडिविजुअल पर ध्यान देना पड़ता है, तो क्या ये मुमकिन हो पाता है? हाँ बिल्कुल मुमकिन हो पाता है। हम लोग जो भी डाउट सेशंस होते हैं, तो हर 15 मिनट पूछता हूँ कि अभी किसी को डाउट इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद हमारी वीडियो भी रिकॉर्ड होती है जो हमारे पोर्टल पर चली जाती है, बच्चे उसको दोबारा भी घर पर जाकर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं उसको, बता सकते हैं। और नेक्स्ट डे हमारा एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ाया गया था उसको उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं डिस्कस भी करता हूँ, और इस तरह से मुझे लगता है कि कोई डाउट होता है, बच्चों से मैं बार बार पूछता हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो पूछते हैं, बाकी बच्चे आपको खुद बैठा भी बता देंगे कि उनका कैसा फील होता है, कैसा लगता है। बिल्कुल, आगे मैं आपसे पूछूंगी और समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी बच्चे भी हमारे साथ लाइव जुड़े, कैमरा पर्सन में अभिषेक कहूंगी, अभिषेक जरा दिखाइए, ये अभी बच्चे लाइव मौजूद है, जो 4 सरकारी स्कूल अभी चुने गए हैं उसमें से 1 गवर्नमेंट स्कूल है, उसी स्कूल के बच्चे, सभी बच्चे नहीं मौजूद रह पाए, कुछ अपनी प्रिपरेशन के लिए अभी छुट्टी पर है, तो आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? ऐसा लग रहा है आप लोगों को, यहाँ से आपको टीचर्स पढ़ाते हैं कि आप लोगों को सब समझ आता है, सीख पा रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. बहुत मुश्किल तो नहीं लगता यहाँ से टीचर के साथ कनेक्ट होना और अपने डाउट्स को क्लियर करना? No, ma'am. अच्छा, क्या पहले इस तरह की तैयारी हो पाती थी या अब ये पॉसिबल हो पाया पिछले कुछ दिनों से? Yes, ma'am. अच्छा, जो आपके साथ टीचर मौजूद हैं, अगर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप तो वहां पर बच्चों के बीच मौजूद हैं, लद्दाख को आप बहुत बारीकी से आपने सर देखा है, वहां के सूरत हाल को आप बता पाएंगे, पहले ऐसा एजुकेशन क्या मिल पाता था और इस पहल को सर आप कैसे बयां करेंगे, इस पहल को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से मैम। इसमें क्या है कि एक तो बच्चों का जो है एक्सपोजर मिल जाता है, इनकी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैम। सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो रोज क्लास में सर कितने बच्चे रहते हैं? अभी तो बहुत कम बच्चे मैं देख रही हूँ, कितने बच्चे रहते हैं? मैम दरअसल ये लद्दाख की पॉपुलेशन की अगर बात करें, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, हमारे स्कूल में 6 स्टूडेंट्स है इन क्लास 10th में। ओके, इसमें से एक को कुछ हादसा पेश आया तो वो आज एब्सेंट है, बाकी और अभी अभी सर 4 स्कूल चुने गए हैं, बाकी 3 स्कूलों में भी क्या आप गए हैं या कुछ बता सकते हैं उस बारे में भी क्या?